अपने लखनऊ में ईद के शुभ अवसर पर रखा गया ईद मिलन समारोह। यह समारोह थाना ठाकुरगंज के सुनारों वाली गली में रखा गया था। इस अवसर पर तमाम मोहल्ले के सम्मानित लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। मैं अमील शमसी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश, और आज हमारे भाइयों ने हमें ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए, ईद के आज त्यौहार पर, ईद के मुबारक मौके पर हमारे भाइयों ने हमें ईद मिलन के प्रोग्राम में इनवाइट किया है, और हम आप सबसे मिलने के लिए, आप सबको ईद की मुबारकबाद देने के लिए, आपके साथ ईद की खुशियों को बांटने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ नकी हुसैन साहब हैं जो सैनी टाइगर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप शहजाद अब्बास साहब हैं, हमारे तमाम आप देखिए सारे भाई मौजूद हैं, और हम सभी का एक ही पैगाम है कि ईद जो है वो मोहब्बत का त्यौहार है। ईद सबसे पहली दलील ये है कि ईद की नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, ना मजहब का कोई भेदभाव होता है, ना कोई फिरकेवाद की बात होती है, सब एक दूसरे को गले मिल करके बधाई देते हैं, मिठाई खाते हैं, सिवैयां खाते हैं, इसी तरह से प्यार और मिठास जिंदगियों में भरी रहे, यही दुआ मांगते हैं। यही दुआ लखनऊ में तो प्यार मिठास बराबर बरकरार है, हमेशा बरकरार रही, लेकिन और जिलों में जो मामले जिसके हुए उस पर अब जिलों की अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई घटना किस तरह की कोई भी आई है, लेकिन ये है कि देखिए कोई भी स्थिति, कोई भी अगर अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की बात करता है तो प्रदेश की सरकार सख्ती से निपटने का काम करती है।